हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉटम्स अप में। सो हम आज बात करने वाले हॉलीवुड की टॉप 10 माइंड बेंडिंग मूवीज या माइंड ब्लोइंग मूवीज, जिसे देखने के बाद हमारे दिमाग पे ऐसा असर हो जाता है जो कि 2-3 दिन तक तो नहीं उतरता। ये दिमाग के साथ खेल जाती है और दिमाग को मजबूर कर देती है कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है ये सोचने। IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 के साथ नंबर 10 पे है सीक्रेट विंडो। ये मूवी एक थ्रिलर मिस्ट्री बेस्ड मूवी है जिसमें जॉनी देप एक राइटर होता है और हिस्टोरिकल और मिस्ट्रियस बुक लिखना इसको पसंद है। ये कभी कभी खुद से ही बातें करते रहता है और 1 आवर 30 मिनट्स की इस मूवी की एंडिंग में कुछ ऐसे राज खोलेगी जो देखने के बाद आपके होश उठ जाएंगे। ये हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, ज़रूर देखना। हमारी नेक्स्ट मूवी है IMDb रेटिंग 6.9 के साथ प्राइमर। इसमें दो इंजीनियर्स रहते हैं, एरन और एबी, जो एक सेल्फ एरर चेकिंग मशीन बनाना चाहते थे लेकिन गलती से उनसे एक टाइम मशीन बन जाती है और वो टाइम मशीन बनाने के बाद लूप में अटक जाते हैं। धीरे धीरे इसके डार्क सीक्रेट्स ओपन होते हैं जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। ये मूवी उन्हीं के लिए है जो टाइम ट्रैवल मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं और उनको अच्छे से समझ आता है। ये अवेलेबल है इंग्लिश में Amazon Prime पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है IMDb रेटिंग 6.9 के साथ नंबर 8 पर है एनिमी, जो एक डार्क मूवी है और डार्क मूवी लवर्स के लिए ये मूवी है। इसमें रहता है एडम, जो एक प्रोफेसर है और वो देखता है कि उसी के जैसे दिखने वाला एक इंसान है जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है और उसे देखने के बाद एडम उसकी लाइफ सीक्रेटली जीने लगता है और वो जीते जीते कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स रिवील होते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होते हैं जो आपका दिमाग घुमा देगी। ये अवेलेबल है Amazon Prime पर इंग्लिश में। हमारी नेक्स्ट मूवी है 7.4 IMDb रेटिंग के साथ नंबर 7 पर लूपर। इसके नाम से ही पता लग गया होगा कि एक टाइम ट्रैवल मूवी है। मूवी में दिखाया गया है जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें रोकने के लिए लूपर्स पास्ट में जाके उन्हें क्राइम करने से पहले ही मार देते हैं, पर जब ब्रूस विलिस का सामना उसके खुद के ही पास से हो तो क्या होगा। ये मूवी में यही दिखाया गया है। यह हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है IMDb रेटिंग 7.5 के साथ नंबर 6 पर प्रीडेस्टिनेशन। यह मूवी बेस्ट है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर। फ्यूचर में एक ऐसी एजेंसी होती है जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में होने वाले एक्सीडेंट को पहले से ही रोक देती है। ऐसे एक असाइनमेंट में एक बॉम्बर होता है जिसे रोकने के लिए एक एजेंट को भेजा जाता है लेकिन वो उसे रोकने में फेल हो जाता है और उससे अलग कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime पर। नेक्स्ट मूवी है IMDb रेटिंग 8 के साथ नंबर 5 पर डोनी डार्को। ये एक डार्क मूवी है, जो लोग डार्क मूवी देखना पसंद करते हैं ये मूवी उन्हीं के लिए। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़के को सपना आता है कि 28 डेज 6 आवर 42 मिनट्स और 12 सेकंड में दुनिया ख़त्म होने वाली है। क्या दुनिया सच में ख़त्म होगी या बस ये सपना था, और इसकी एंडिंग आपको पागल कर देगी। ये मूवी Amazon पर अवेलेबल है इंग्लिश में। हमारी नेक्स्ट मूवी है IMDb रेटिंग 8 के साथ नंबर 4 पर 12 मंकीज। ये ब्रूस विल्स की मूवी है। इसमें क्या होता है, 12 मंकीज जो एक आर्मी होती है जिसने 1996 में एक वायरस छोड़ा होता है जिससे पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद जब फ्यूचर में एक टाइम मशीन क्रिएट होती है तो उससे ब्रूस विल्स को पास्ट में भेजा जाता है। इसकी एंडिंग बहुत ही मज़ेदार है। ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में।
सो हमारी नेक्स्ट मूवी है एक ऐसी मूवी है जिस देखने के बाद आपका दिमाग तो घूम ही जाएगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो की ये मूवी लाखों में एक। आईएमडीबी रेटिंग 8.2 के साथ नंबर 3 पर है शटर आइलैंड। इस मूवी को देखने के बाद आप 2-3 दिन तक तो इसकी दुनिया में खो जाओगे, यहाँ से बाहर ही नहीं आओगे। ये एक मस्ट वॉच मूवी है जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। सो हमारी नेक्स्ट मूवी है आईएमडीबी रेटिंग 8.5 के साथ नंबर 2 पर द प्रेस्टीज। इसमें लीड एक्टर में क्रिस्टन बेल और ह्यू जैकमैन। इन दोनों में एक कंपटीशन लगा होता है कि कौन दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। इसी बीच कुछ इन्वेंशन क्रिएट होते हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। सो हमारी टॉप की मूवी है 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ फाइट क्लब। ये एक ऐसी मूवी है जो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बांध कर रखेगी। ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन की एक्टिंग तो आपको स्किप करने का मौका ही नहीं देगी। जैसे ही आप इसको समझने की कोशिश करोगे तभी एक अगला ट्विस्ट आपके सामने आएगा और आप सब कुछ भूल जाओगे। इसकी एंडिंग बहुत ही मज़ेदार है जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये हिंदी में अवेलेबल है Amazon Prime पर।